प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अंकिता राय, प्रवक्ता गणित, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के गणित विषय के अध्याय 11 शंकु परिच्छेद कॉनिक सेक्शन में परवलय यानी पैराबोला का भाग 2 अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह जो भाग है इस पैराबोला का यानी परवलय का अंतिम भाग है। इसके चर्चा के जो बिंदु हैं वह है नाभिलंब जीवा, लैटस रेक्टम, परवलय पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराबोला। बच्चों, इस भाग को शुरू करने से पहले हमने जो भाग 1 में परवलय के प्रमाणिक समीकरण के जो 4 दिग्विन्यास यानी ओरिएंटेशन देखे थे उसे एक बार दोहरा लेते हैं और उससे क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है उसे भी देखते हैं। तो चलिए बच्चों, यह पहला दिग्विन्यास था, पहला ओरिएंटेशन था, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और ये दोनों जहाँ काटता है उसे मूल बिंदु ओ कहते हैं। और जो पहला ओरिएंटेशन होता है, पहला दिग्विन्यास होता है, उसमें जो हमारी नाभि होती है जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं वो एक्स एक्सिस पे होती है और इसका निर्देशांक जब एक्स एक्सिस पे होती है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 1, 0। शीर्ष से समान दूरी पे, ये दूरी ए है तो शीर्ष से इस समान दूरी पर हमारी नियता होगी जिसकी समीकरण क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। और यह जो परवलय होता है उसका समीकरण होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब बच्चों आते हैं दूसरे दिग्विन्यास पे, दूसरे ओरिएंटेशन पे। इसमें जो होता है, जो हमारी नाभि जो होती है वह क्या हो गई, हमारी नाभि आ गई ऋणात्मक एक्स एक्सिस पे, तो इसका निर्देशांक हो गया माइनस ए 0। और नीता का जो समीकरण हो जाएगा वो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए। और ये क्या है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु से नाभि तथा नीता की जो दूरी हो होती है वो समान होती है। और यह जो समीकरण होता है वह होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अब आते हैं बच्चों तीसरे दिग्विन्यास पे। तीसरे में क्या होता है बच्चों कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों जो एक दूसरे को काटता है उसे मूल बिंदु ओ कहते हैं। और जो अब जो हमारी नाभि है वो क्या हो गया है, धनात्मक वाई दिशा में हो गई है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 0a। और इस शीर्ष से समान दूरी पे ही हमारी नियता होगी जिसका समीकरण क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस ए। और यह जो परवलय होता है उसका समीकरण होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब आते हैं चौथे दिग्विन्यास पे या चौथे ओरिएंटेशन पे, जिसमें हमारा अब क्या हो गया, नाभि जो हो गई वह y के रेड दिशा में हो गई, तो जिसका समीकरण, जिसका निर्देशांक क्या होगा, 0 माइनस ए। और ये क्या है, मूल बिंदु है ओ से प्रदर्शित करते हैं। और ये अगर ए दूरी है तो ए दूरी पे ही हमारी नियता होगी, तो उसका समीकरण होगा वाई इज इक्वल टू ए। और ये जो दिग्विन्यास होता है, ये जो ओरिएंटेशन होता है, उसका जो परवलय का समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ये 4 हमारे ओरिएंटेशन या दिग्विन्यास होते हैं जिसे हम परवलय के प्रमाणिक समीकरण कहते हैं। परवलय का प्रमाणिक समीकरण क्या होता है, जिसमें शीर्ष क्या हो, मूल बिंदु पर हो और जो सममिति अक्ष हो वो एक्स अक्ष हो या वाई अक्ष हो। ये हमने भाग 1 में जाना था और यही 4 दिग्विन्यास हमने भाग 1 में देखा था, इनके समीकरणों को देखा था। अब इन 4 दिग्विन्यास ओरिएंटेशन से क्या हमें निष्कर्ष निकलता है उसे देख लेते हैं। बच्चों, एक जो निष्कर्ष निकल रहा है वो पहला निष्कर्ष ये है कि जो परवलय होता है वो अपने अक्ष यानी परवलय अपने परवलय अक्ष में सममित होता है। देखिए, परवलय जो होता है वो अपने अक्ष में सममित होता है। दूसरा, यदि परवलय के समीकरण में वाई स्क्वायर का पद है, देखिए इसमें और इसमें वाई स्क्वायर का पद है, तो जो सममिति अक्ष होती है वो एक्स अक्ष के अनुदिश होती है। देखिए, इसमें इसमें वाई स्क्वायर का पद है तो एक्स अक्ष के में सममित अक्ष जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। तीसरा जो है निष्कर्ष, वो यह निकलता है कि यदि परवलय में एक्स स्क्वायर का पद है, देखिए एक्स स्क्वायर का यहाँ पद है और ये एक्स स्क्वायर का पद है, तो जो सममिति अक्ष होती है वो
वाई अच के अंदिश होती है। देखिए ये वाई अच के अंदिश इसकी सममिति अच है। ये हमारा तीसरा निष्कर्ष निकलता है इन चारों दिग्विन्यासों को देखने से। अब चौथे पर आते हैं, यदि परवलय एक्स अक्ष में सममित है, यानी इन दोनों की बात की जा रही है, एक्स अक्ष में सममित है और उसका जो एक्स गुणांक है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है, देखिए इसमें एक्स का गुणांक धनात्मक है, तो परवलय जो होता है वो दाई ओर खुलता है, देखिए दाई ओर खुलता है, और यदि एक्स का गुणांक ऋणात्मक होता है, देखिए ऋणात्मक होता है, ये ऋणात्मक है ना, माइनस फोर ए फोर ए, तो जो हमारा परवलय होता है वो बाई ओर खुलता है इस प्रकार से। उसी प्रकार से यदि परवलय वाई अच जो सममिति अच है वो वाई अच के अंदिश है, जैसे इसकी और इसकी बात की जा रही है, और यदि वाई का गुणांक धनात्मक है तो परवलय ऊपर की ओर, देखिए ऊपर की ओर खुलता है, और यदि परवलय में वाई का गुणांक ऋणात्मक है तो परवलय नीचे की ओर खुलता है। ये सभी निष्कर्ष हम प्राप्त कर सकते हैं परवलय के जो चार प्रमाणिक समीकरण हैं उनको देखकर। तो चलिए यही बात आगे कही गई है, परवलय के प्रमाणिक समीकरण के निरीक्षण से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, परवलय परवलय अक्ष के सापेक्ष सममित होता है, यदि परवलय के समीकरण में वाई स्क्वायर का पद है तो सममित अक्ष एक्स अक्ष के अंदिश होता है, और यदि समीकरण में एक्स स्क्वायर का पद है तो सममित अक्ष वाई अक्ष के अंदिश होता है। यदि सममिति अक्ष एक्स अक्ष के अंदिश है और एक्स का गुणांक धनात्मक है तो परवलय दाई ओर खुलता है, और दूसरी बात इसी में कही गई है कि एक्स का गुणांक ऋणात्मक है तो परवलय बाई ओर खुलता है। यदि सममित अक्ष वाई अक्ष के अंदिश है हो और वाई का गुणांक धनात्मक हो तो परवलय ऊपर की ओर खुलता है, और दूसरी बात जो कही गई है वाई का गुणांक ऋणात्मक हो तो परवलय नीचे की ओर खुलता है। यही निष्कर्ष बच्चों हमको प्राप्त होते हैं परवलय के जो चार प्रमाणिक समीकरण होते हैं उनको देखने से। तो हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नाभिलंब जीवा लैटस रेक्टम क्या होता है। परवलय की नाभि से जाने वाली और परवलय की अक्ष के लंबवत रेखाखंड जिसके अंत बिंदु परवलय पर हो को परवलय की नाभिलंब जीवा कहते हैं। क्या बात कही गई, इसे एक बात चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। ये परवलय का पहला जो होता है दिग्विन्यास है या ओरिएंटेशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को जहाँ काटते हैं उसे मूल बिंदु ओ कहते हैं। ये क्या है, फोकस है, नाभि है जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, और ये नियता है जिसका समीकरण क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ये हमारा पहला जो है दिग्विन्यास है, ओरिएंटेशन है। तो क्या बात कही गई समझते हैं, परवलय की नाभि से जाने वाली और परवलय के अक्ष के लंबवत रेखाखंड, नाभि से जाने वाली और परवलय का अक्ष या परवलय का अक्ष है उसके लंबवत रेखाखंड, लंबवत रेखाखंड जिनके अंत बिंदु परवलय पर हो। देखिए एक लंबवत रेखाखंड है जो जिसके अंत बिंदु क्या है, परवलय पर है, को परवलय की नाभिलंब जीवा कहते हैं, यानी यही क्या है, परवलय की नाभिलंब जीवा है। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी, यह जो है परवलय की नाभिलंब जीवा है। चलिए बच्चों अब परवलय की नाभिलंब जीवा कितनी होती है उसकी गणना करते हैं पहले दिग्विन्यास यानी पहले ओरिएंटेशन के लिए। तो चलिए बच्चों क्या करते हैं, ए से एक लंबवत रेखा नियता पे खींचते हैं और बी से एक लंबवत रेखा नियता पे खींचते हैं। देखिए एक लंबवत रेखा हमने खींच दिया और इनका नाम दे देते हैं ए बी, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं और इसको ई बोल देते हैं। हमने इस प्रकार से इसका नाम दे दिया। तो चलिए बच्चों हम जानते हैं कि ये दूरी, हम जानते हैं कि ओ एफ इज इक्वल टू क्या है, ए है, ओ एफ क्या है, ए है, और ओ डी, ओ डी भी क्या है, हमारा ए है, क्योंकि सिर से समान दूरी पे हमारी नेता होती है, ये दूरी भी ए है। यानी अगर डी एफ की बात करें, डी एफ, डी एफ क्या होगा, डी ओ प्लस ओ एफ यानी ए प्लस ए यानी
2a, df क्या होगा 2a होगा, df ही के बराबर, क्योंकि लंब रेखा खींचा है, df के ही बराबर ea होगा और df के ही बराबर cb होगा, यानी चूंकि df इज इक्वल टू ea इज इक्वल टू cb, ea इज इक्वल टू cb, इसलिए ea इज इक्वल टू cb इज इक्वल टू क्या होगा 2a, यहां से देखिए ये 2a निकला था 2a, यानी हमको क्या मिल गया ea इज इक्वल टू cb इज इक्वल टू 2a, हमको ये जो दूरी है 2a प्राप्त हो गया। अब बच्चों हम जानते हैं कि परवलय उन बिंदुओं का समुच्चय है जो जिसकी दूरी नाभि से तथा नियता से बराबर होती है, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। तो चूंकि लिखे चूंकि b परवलय पर कोई बिंदु है जो परवलय पर कोई बिंदु है जो नाभि लंब का अंत बिंदु है, या कोई बिंदु है बी कोई बिंदु है ना, लेकिन नाभि लंब का यहां पे अंत बिंदु है, इसलिए सीबी बराबर बीएफ, इसलिए सीबी बराबर बीएफ। तो सीबी बराबर हमने सीबी कैलकुलेट किया है कि 2a है, यानी इसको लिख सकते हैं 2a, यानी हमने बीएफ क्या कैलकुलेट कर लिया 2a। और बच्चों हम जानते हैं कि परवलय अपने अक्ष में सममित होता है, तो इसका एक्स अक्ष है तो यह एक्स अक्ष में सममित होगा, यानी ये जो दूरी होगी वही ये दूरी होगी, इसलिए अब लिखेंगे चूंकि परवलय अपने अक्ष में सममित होता है, इसलिए BF बराबर FA बराबर 2A, यानी अब हमको FA भी मिल गया 2A, यानी नाभिलंब की अगर लंबाई हम बोले, यानी AB बराबर नाभिलंब दिस इंप्लाइज दैट नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा AB बराबर क्या होगा AF प्लस FB, यानी 2A प्लस 2A यानी 4A। इस प्रकार से हमने जो पहला हमारा ओरिएंटेशन था, दिग्विन्यास था, उसके लिए हमने नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कर ली, जो क्या आया है 4A आया है। इसी प्रकार से बच्चों हम जो तीन और दिग्विन्यास होते हैं, ओरिएंटेशन होते हैं, उनके लिए भी हम ज्ञात करके देखेंगे, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई आएगी 4A। तो बच्चों हमने नाभिलंब जीवा की लंबाई जान ली, अब आगे बढ़ते हैं और परवलय पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। बच्चों यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y में नाभि का निर्देशांक, नियता का समीकरण और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं हल। बच्चों क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। बच्चों हम जानते हैं कि यदि परवलय में x स्क्वायर का पद है तो जो परवलय का सममित अक्ष होता है वह y अक्ष के अनुदिश होता है, यानी यह जो परवलय है वह y अक्ष के अनुदिश होगा। और बच्चों तो चलिए इसकी तुलना हम करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay,
तुलना करने में बच्चों देखिए क्या मिलेगा हमको, इसे एक कर देते हैं, इसे दो कह देते हैं, एक और दो की तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको, 16 इज इक्वल टू 4a। तुलना किया हम लोगों ने, रेड दोनों में था, 16 इज इक्वल टू 4a, यानी a इज इक्वल टू क्या मिल जाए, 16 बाई 4, यानी a इज इक्वल टू हमको 4 मिल जाएगा। हमने a का मान ज्ञात कर लिया। और बच्चों अभी मैंने बताया कि जब किसी परवलय के समीकरण में x स्क्वायर का पद होता है तो उसकी जो सममिति अक्ष होती है वह y अक्ष के अनुदिश होती है, तो y अक्ष के अनुदिश होती है। और यदि सममिति अक्ष, दूसरी बात, सममिति अक्ष y अक्ष के अनुदिश हो और y का गुणांक ऋणात्मक हो, देखिए यहाँ ऋणात्मक दिया हुआ है, y का गुणांक ऋणात्मक हो तो परवलय नीचे की ओर खुलता है, ये बातें हमने जानी थी। तो चलिए पहले नाभिक का निर्देशांक लिखते हैं, नाभिक का नाभिक का निर्देशांक क्या होगा बच्चों, देखिए मैंने बताया नीचे की ओर खुल रहा है और सममिति अक्ष वाई अक्ष है, तो क्या होगा, 0 - a, यानी 0 - 4 ये होगा। अब आते हैं नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। अब परवलय नीचे की ओर खुल रहा है तो नियता क्या होगी, उसके नाभि से, शीर्ष से नाभि के बीच की दूरी तथा नियता के बीच की दूरी बराबर होती है, तो नियता का समीकरण क्या होगा, y इज इक्वल टू a, यानी y इज इक्वल टू 4। अब आते हैं बच्चों नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई जो होती है बच्चों, मैंने अभी बताया कि प्रत्येक ओरिएंटेशन में, प्रत्येक दिग्विन्यास में 4a होती है, तो ये क्या हो जाएगी, 4 × 4 यानी 16। इस प्रकार से हमने बच्चों नाभि का निर्देशांक, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कर ली। चलिए बच्चों एक बार चित्र बना के देखते हैं, तो यह x अक्ष है इसे x डैश कहते हैं, ये y अक्ष है इसे y डैश कहते हैं, दोनों एक दूसरे को जहाँ काटता है वही मूल बिंदु होता है। क्योंकि हमारे जो परवलय का समीकरण है उसमें x स्क्वायर का पद है तो सममित h y अक्ष होगा, क्योंकि y का गुणांक ऋणात्मक है इसलिए परवलय नीचे की ओर खुलेगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो होगा, इस प्रकार से परवलय होगा जिसमें यहां पर इसकी 0 - 4 यहां पर ना भी होगी और उस इतनी ही दूरी पर इस प्रकार से नियता y इज इक्वल टू फोर हमारी नियता का समीकरण होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार के प्रश्न को देखते हैं कि किस प्रकार के और प्रश्न जो होते हैं परवलय में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। तो क्या प्रतिबंध दिया है कि ना भी क्या हो 6 - 0 और नियता x इज इक्वल टू -6। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ बच्चों जो ना भी दी हुई है वह 6 - 0 यानी y का निर्देशांक 0 है और x निर्देशांक जो है वो 6 है, यानी हमारी ना भी जो है वो x अक्ष पे है और ना भी जो है वो x अक्ष पर है और x की धनात्मक दिशा पे है। यानी यहाँ से अगर हम कंपेयर कर ले तो a बराबर हमको क्या मिल जाएगा, a बराबर 6 मिल जाएगा, धनात्मक है
ए बराबर 6 मिल जाएगा और हमारी नाभि जो है एक्स की धनात्मक दिशा में है, तो कहीं ना कहीं हमारी हमारा जो परवलय है वो परवलय जो है वो दाईं ओर खुल रहा है। और नियता देखिए, नियता जो दी हुई है x इज इक्वल टू -6 यानी उतनी ही दूरी पर, ये शीर्ष से उतनी ही दूरी पे, 6 यहाँ है तो 6 यानी शीर्ष से उतनी ही दूरी पर उसके पीछे x इज इक्वल टू -6 पे हमारी नियता है। तो जो परवलय का समीकरण होगा वह क्या है, कहीं ना कहीं यह पहले ओरिएंटेशन, पहले दिग्विन्यास को दिखा रहा है। तो परवलय का जो समीकरण होगा वो किस प्रकार से होगा, y² = 4ax यानी 4 × 6x 24x। इसे हम चित्र के द्वारा कैसे समझेंगे बच्चों, तो चलिए देखते हैं। यह x अक्ष है, इसे x डैश कहते हैं, ये y अक्ष है, इसे y डैश कहते हैं, दोनों एक दूसरे को जहाँ काटते हैं वही मूल बिंदु होता है। और बच्चों यहाँ पे नियता दी हुई है x बराबर, यहाँ पे नाभि दी, पहले नाभि देख लेते हैं, नाभि यहाँ पे x बराबर 6 है, ये x बराबर 6 है और 6 0 जो है वो यहाँ पे हमारी नाभि है, उतनी ही दूरी पर पीछे हमारी नियता, उतनी ही दूरी पर यहाँ पे इतनी ही दूरी पर हमारी नियता होगी। चलिए यहाँ पर ये क्या है, x बराबर -6, जो ये रेखा है वो x बराबर -6 है और इस प्रकार से हमारा परवलय होगा। चलिए हमने परवल इस प्रश्न को देखा, आगे पढ़ते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। शीर्ष दिया हुआ है, परवलय का समीकरण ज्ञात करना है, शीर्ष दिया है और नाभि दी हुई है। यहाँ शीर्ष दे दिया है 0 0, नाभि जो है वो 3 0 दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए नाभि जो है वो एक्स अक्ष पे दी हुई है और धनात्मक दी हुई है, तो किस प्रकार से होगा, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, हल लिख लेते हैं। यहां से हमको क्या प्राप्त हो गया, नाभि से हमको a बराबर 3 प्राप्त हो गया। नाभि धनात्मक है, एक्स अक्ष पे है, तो किस प्रकार से परवलय का समीकरण होगा, वो होगा y² = 4ax यानी 4 × 3 × x 12x। अब बच्चों इसको चित्र द्वारा देख लेते हैं, इसे x अक्ष कहते हैं, इसे x डैश कहते हैं, इसे y कहते हैं, इसे y डैश कहते हैं, दोनों एक दूसरे को जहां काटता है वहां मूल बिंदु होता है। देखिए नाभि यहां है 3 0 पे, नाभि है और शीर्ष है क्या है? हमारा 0 0 पे है, 0 0 पे हमारा शीर्ष है, तो किस प्रकार से परवलय होगा, इस प्रकार से देखिए मूल बिंदु से जाता हुआ शीर्ष इसका और यहाँ पे इसकी नाभि है, यह जो है हमारा पहला जो दिग्विन्यास है उस प्रकार का परवलय है। तो इस प्रकार से बच्चों हम प्रश्नों को हल करते हैं। इसी पर आधारित बच्चों जो आज हमने प्रश्न किए हैं उसी पर आधारित आज का गृह कार्य है। तो पहला जो प्रश्न है वो निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहला जो प्रश्न है वो y² = -8x, दूसरा जो प्रश्न है वो x² = 6y। तो बच्चों अब हम जो परवलय के चार प्रमाणिक समीकरण होते हैं या चार दिग्विन्यास होते हैं या हम कहें चार ओरिएंटेशन होते हैं, उनको देखने से हम ये पता कर सकते हैं कि यदि परवलय में y² का पद है तो परवलय की सममित अक्ष किस अक्ष के अनुदिश होगी। और जब हम सममित अक्ष जान जाएंगे तो यदि इसमें x का गुणांक धनात्मक है या ऋणात्मक है तो हम यह जान सकते हैं कि धनात्मक है तो परवलय किस ओर खुलता है और ऋणात्मक है तो किस ओर खुलता है। इसी प्रकार से हम यदि परवलय के समीकरण में x² का पद है
तो अब हम जान चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का पद है, तो परवलय की सममिति अक्ष कौन किस अक्ष के अनुदिश है। और जब हम सममित अक्ष जान जाएंगे तो यदि परवलय में y का गुणांक धनात्मक है या ऋणात्मक है, दोनों ही दशा में हम जान सकते हैं कि परवलय किस ओर खुलता है। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्नों को सोचेंगे और करेंगे। अब दूसरा जो प्रश्न दिया गया है वो है प्रश्न दो, निम्नलिखित में प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। पहला प्रतिबंध है, शीर्ष दिया है 0-0 पे, नाभि दिया है 2-0। अभी मैंने इस पर आधारित एक प्रश्न आपको किया था, वही है कि शीर्ष दिया है और नाभि दिया, तो पहले हम नाभि पे देखेंगे क्योंकि प्रामाणिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो प्रामाणिक समीकरण में हमेशा ही शीर्ष 0-0 पे होता है और नाभि 2-0 पे दिया हुआ है, तो नाभि को हम देखेंगे कि वो एक्स अक्ष पे है कि वाई अक्ष पे है। फिर पहले अक्ष पता करेंगे, जब एक्स अक्ष हमको पता चल जाएगा कि एक्स अक्ष पर, या यहाँ दिख रहा है कि एक्स अक्ष पर है तो वो धनात्मक है, एक्स की धनात्मक दिशा में है कि ऋणात्मक दिशा में है। इस प्रकार से सोचते हुए प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही में चित्र भी बनाएंगे जिससे हमें और समझ में आए। उसी प्रकार से दूसरा दिया हुआ है कि शीर्ष जो है 0-0 पे है और जो परवलय है वो 2-3 से जाता है और अक्ष यहाँ पे दिया है कि एक्स अक्ष जो है एक्स के अनुदिश है। तो इसे भी इसी प्रकार से सोचेंगे, प्रश्न को करेंगे कि यहाँ पे तो पहले ही दे दिया कि एक्स में एक्स जो एक्स अक्ष है उसके अनुदिश है उसका अक्ष, तो बाईं ओर या दाईं ओर, तो इसमें भी देखना पड़ेगा हमको कि वो 2-3 से जा रहा है तो 2-3 से कब जाएगा। इस तरह से सोचेंगे प्रश्न को और प्रश्नों को हल करेंगे। इसी के साथ यह भाग दो समाप्त होता है जो परवलय का अंतिम भाग था। इसके बाद हम शंकु परिच्छेद में यह जानेंगे कि दीर्घवृत्त किस प्रकार से प्राप्त होता है, किसी खोखले द्विशंकु को किसी तल द्वारा काटने पर, और अति परवलय किस प्रकार से प्राप्त होता है। धन्यवाद।